में बीजेपी के बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। किरोड़ी ने राहुल गांधी के चोर वाले बयान पर पलटवार करते हुए उल्टा राहुल गांधी को ही चोर करार दिया है। राजस्थान के रण में नेताओं के बीच जबानी जंग परवान पर है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राहुल गांधी के पीएम मोदी को चोर कहने वाले बयान पर पलटवार किया। किरोड़ी ने उल्टा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को ही चोर बता दिया। किरोड़ी ने कहा कि कांग्रेस राफेल को लेकर जिस तरह शोर मचा रही है उससे ये लगता है कि चोर मचाए शोर। इंदिरा गांधी चोर, हमने ये सुना था कि गली गली में शोर है राहुल गांधी, राजीव गांधी। अब ये एक रफाल को लेके कांग्रेस शोर मचा रही है और इसको ये कहा जा सकता है कि चोर मचाए शोर। वहीं किरोड़ी ने कहा कि प्रदेश में तीसरे मोर्चे के विकल्प से बीजेपी को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने राजस्थान में चुनाव से पहले किसी भी सर्वे को सिरे से खारिज कर दिया। हमारे इलाके में तो तीसरे मोर्चे से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जो उल्टा तीसरे मोर्चे से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। क्या 36% लोकप्रियता अशोक गहलोत और वसुंधरा जी से ऊपर सचिन पायलट साहब की हो सकती है क्या? लेकिन सर्वे हैं, उन पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर सकता। सर्वे में कोई दम नहीं है। पुनः भारतीय जनता पार्टी सत्ता में राजस्थान में आएगी। कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी के प्रदेश महामंत्री छगन लाल ने टिकट बंटवारे पर कहा कि पार्टी वजनदार, जानदार और शानदार जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देगी। जो पार्टी का उम्मीदवार होगा वो जीतने वाला ही प्रत्याशी होगा और यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं उन सबकी मनस्थिति बनी है, बैठक में भी मनस्थिति बनी है, वो पार्टी को जिताएंगे, कमल को फूल को जिताएंगे। हिंडौन सिटी में आयोजित बीजेपी के नव शक्ति बूथ सम्मेलन में किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत और एकजुटता का संदेश दिया। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में सुर मिलाते हुए राजस्थान में एक बार फिर से कमल खिलाने का संकल्प लिया। राकेश अग्रवाल, जी मीडिया, हिंडौन सिटी।